अमरेंद्र बाहुबली ऑफ बॉक्स ऑफिस इज बैक। ओ माय गुडनेस, क्या मैडनेस चल रही है कल की ऑन द बॉक्स ऑफिस। आज है डे नंबर टू। आज के बारे में बॉक्स ऑफिस क्या कहता है, ट्रेंड्स क्या कुछ कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। साथ साथ में हम लोग कवर करने वाले हैं कि फाइनल डे वन कलेक्शन का जो एस्टिमेशन होता है, टोटल एस्टिमेशन, वो कितना आ चुका है। नॉर्थ अमेरिका में RRR का रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। बॉस, जैसे कह रही हूँ कि कल्की इज ऑन अ रैम्पेज मोड, बीस्ट मोड में आ चुकी है। नेवर सीन बिफोर दिस काइंड ऑफ ऑक्यूपेंसीज, दैट टू इन द नॉर्थ। हिंदी बेल्ट से जिस कलेक्शन की उम्मीद थी उससे भी ऊपर इंडिया नेट कलेक्शन पहुंच चुकी है। अभी मैं आपको डे वन का पहले ब्रेकअप बताने वाली हूँ कि लैंग्वेज वाइज ब्रेकअप क्या रहा, वर्जन वाइज ब्रेकअप क्या रहा ऑफ कल की। देखो यार, हमने कल जब रात को 11 बजे मैं आपसे मिली थी, मैंने आपसे बात करी थी कि 100 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन हो चुकी है कल की। इट्स नॉट अ जोक एंड इट इज नॉट ईजी टू अचीव, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आज के समय में फिल्मों का लाइफ टाइम 100 करोड़ नहीं हो पा रहा है, जो कल्की ने एक दिन में इंडिया नेट में 100 करोड़ की बाजी मारी है। अब सुनो लैंग्वेज वाइज ब्रेकअप क्या रहा। अब कल जो हमने देखा था वो 100 करोड़ जो आया था, वो जो हमारे पास आया था, उसमें कोई लैंग्वेज वाइज ब्रेकअप नहीं था और वो फाइनल भी नहीं था। थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ पे होता है, और जो मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ जब हम सैकनल के नंबर्स करते हैं, मैं बोलती हूँ हल्का सा अंडर रिपोर्टेड होता है, लेकिन आप और जगहों पर देखोगे वहाँ पर भी थोड़ी बहुत 5-10% की ही बस वेरिएशन होती है, ज़्यादा नहीं। तो अभी यहाँ पर ब्रेकअप मैं आपको बताती हूँ भाई। तेलुगु लैंग्वेज से, अकेला तेलुगु लैंग्वेज से 64.5 करोड़ का नंबर आया है इंडिया नेट डे वन कलेक्शन, 64.5 करोड़ का। तमिल से 4 करोड़, हिंदी से 24 करोड़ की कलेक्शन हुई है डे वन पर इंडिया नेट में। नाउ दैट इज कॉल्ड अ नंबर। 20 करोड़ के आसपास भी लोग प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे, डर रहे थे, और मैंने आपसे कल एक रियलिस्टिक नंबर कहा था। मैंने कहा था आपसे कि मैं 30 करोड़ तक नहीं जाऊंगी, मैं ओवर एस्टिमेशन नहीं करूंगी, मेरे हिसाब से 25 से 27 करोड़ के बीच में आ सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर 24 करोड़, एग्जैक्ट 24 करोड़ का नंबर आ चुका है। अभी ये भी चेंज होगा दिन में 12 बजे, ये भी एक बार अपडेट होगा, ठीक है। कन्नड़ा लैंग्वेज से 0.3 करोड़ और मलयालम से 2.2 करोड़ की कलेक्शन डे वन की आ चुकी है, अनफ्रीकिंग बिलीवेबल। इसी के साथ टोटल जो कलेक्शन है इंडिया नेट डे वन 95 करोड़ पे यहाँ पे रुकी हुई है। थोड़ा सा जैसे मैं कह रही हूँ ये अपडेट एक बार फिर से होगा दिन में, लेकिन क्या यहाँ पर बात खत्म हो जाती है? जी नहीं, डे वन इंडिया ग्रॉस का नंबर इज 115 करोड़, 115 करोड़। डे वन ओवरसीज कलेक्शन 65 फ्रीकिंग करोड़, भाई साहब 65 करोड़ ऑन डे वन। और इसी के साथ टोटल डे वन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ कल की इज 180 करोड़। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीजें सुनो क्या क्या है। सबसे पहली चीज, फिल्म रिलीज होती है ऑन अ नॉन हॉलीडे, दैट टू अ थर्सडे, बीच का दिन है, कोई फ्राइडे नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं है जब हम कुछ लंबा लॉन्ग वीकेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सीधा थर्सडे को फिल्म रिलीज हुई। उसके बाद अगली कहानी सुनो वो क्या है, वो है अबाउट द प्रीमियर्स। अभी तो नंबर प्रीमियर्स के आए हैं, अभी तो टोटल नंबर्स पूरे आए भी नहीं है डे वन के जो ओवरसीज से आते हैं। तो अभी इस वक्त पर अगर हम ये सोचते हैं कि भाई साहब जो हम 200 करोड़ का सोच रहे थे कि टारगेट आएगा, वो सब कैसे होगा, मुझे जहां तक लगता है कि वो जल्दी ही कंप्लीट होगा आज दिन में। और भाई देखो, कल की ना अपने आप में एक फिल्म ऐसी है जो अपना ग्राउंड सेट कर रही है। हम अगर RRR से कंपैरिजन करते हैं, हम अगर बाहुबली 2 से चलो अगर कंपैरिजन करते हैं, भाई बाहुबली 2 का कंपैरिजन करना कल की 2 के साथ, क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी ऑडियंस थी, बाहुबली ऑलरेडी वाज अ बिग नेम, वो ऑलरेडी मार्केट बनी हुई थी। यहाँ कल की को लेकर कितने नेगेटिव रिव्यूअर्स देखे हैं मैंने, मैं बता भी नहीं सकती। कल से मैं अभी तक चेक कर रही हूँ, अभी तक लोग सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म के बारे में मतलब बेमतलब फजूल की बातें कर रहे हैं। वो ये वो लोग हैं जिनको साउथ इंडस्ट्री से या उसको प्रेज करने में थोड़ी सी हिच रहती है, लेकिन उनको फिल्में पसंद आती हैं हर चीज़ जैसी। आई एम टेलिंग यू अपफ्रंट, नाम मैं यहाँ पे तो किसी का भी नहीं लेती हूँ, ना मैंने लिया है ना मैं लूँगी, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर वो लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि भाई मासी फिल्म चल कैसे गई है, ये नॉर्थ में कैसे लोगों को पसंद आ रही है यार, ये पंजाब में लोगों को कैसे पसंद आ रही है, ये कोलकाता में लोगों को कैसे पसंद आ रही है। लोगों को तो हॉलीवुड फिल्में ज़्यादा पसंद आनी चाहिए, बॉलीवुड की फिल्में ज़्यादा पसंद आनी चाहिए। मुझे बॉलीवुड से भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कॉन्टेंट अच्छा है तो डिस्टोपियन के नाम पर गणपत बनाकर दे दोगे, वो भी अमिताभ बच्चन के साथ थी, माइंड यू वो भी अमिताभ बच्चन के साथ थी, डिस्टोपियन के नाम पर गणपत बनाकर दे दोगे तो लोग तो गालियां देंगे ही ना। और उसके बाद कुछ ऐसे भी रिव्यूअर्स हैं जिनको केवल और केवल साउथ की फिल्मों और साउथ के डायरेक्टर्स को क्रिटिसाइज करना होता है कि ये तो मतलब एक टाइप की फिल्म थी, उसमें वो उसको क्यों बचा रहे हैं, अश्वत्थामा उसको सुमति को क्यों बचा रहे हैं। यार मतलब यार कुछ भी कोई लॉजिक नहीं है। आप जो ऐसी बातें करते हैं ना लोग जो रिव्यू में आकर के बोल रहे हैं कि यू नो कल्की वाज इट इज जस्ट अ फ्लूक, अब यहाँ पे ये भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि कल्की इज जस्ट अ फ्लूक, कल्की तो तुक्के में चल गई है। कल्की का तो जो नंबर है वो तो आदि पुरुष का भी शुरू के वीकेंड में नंबर आया था, मंडे से देख लेंगे क्या होगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये फिल्म तो रिलीज ही नॉन हॉलीडे पे हुई है, ये तो मिड वीक में रिलीज हुई है तब ये नंबर ऐसा ला रही है।
इतना स्ट्रांग और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है नॉर्थ में, इतना स्ट्रांग मैं बता भी नहीं सकती। मैंने अपनी खुद की फैमिली में व्हाट्सएप ग्रुप्स पे देखा अबाउट द कल्कि रिव्यू एंड एवरीबडी इज स्टंड लुकिंग एट द विजुअल्स, लुकिंग एट द महाभारत सीन, लुकिंग एट द अमेलगमेशन, द मिक्सचर ऑफ हिस्ट्री एंड फ्यूचर। क्या तरीके से नाग अश्विन ने उसको स्टिच किया है पूरे कॉन्सेप्ट को। मैं खुद उसमें से बहुत सारी थियोरीज डिराइव करने की कोशिश कर रही हूँ। कभी यू नो कभी आपका दिमाग सोचता है कि यार ये कल्कि पुराण के बारे में होगा, या इसमें जो और भी कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे वो उठाए गए होंगे, उनके नाम रखना, उनको इस तरीके से दिखाना कि ये फ्यूचरिस्टिक होगा, वो जो व्हीकल है, वो सारी चीज़ें, एक एक चीज़ को बड़े ही ढंग से तैयार किया गया है। अगर लोग बोलते हैं VFX है, ग्रीन स्क्रीन है, एक मुझे सीन ऐसा दिखा दो जिसमें तुम्हारे को देख करके ये लग रहा हो ये ग्रीन स्क्रीन है। मैंने खुद ग्रीन स्क्रीन वाली बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखी है यार, ग्रीन स्क्रीन लगती है, वो दिख रहा है कि ग्रीन स्क्रीन है, वो बंदा उड़ के आ रहा है, एक्टर बहुत बड़ा एक्टर, मास एक्शनर उड़ के आ रहा है, बाइक चला रहा है, ये चला रहा है, वो दिख रहा है कि वो ग्रीन स्क्रीन है। यहाँ पर तो एक एक चीज पर इतना माइन्यूटली काम किया गया है, चाहे वो हिस्ट्री कृष्णा वाला संवाद हो जिसमें हम संवाद देखते हैं बिटवीन अश्वत्थामा एंड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, वो हो, या बैकग्राउंड म्यूजिक हो, जिस तरीके से देवदत्त आता है, दैट वाइट हॉर्स, भाई सच में इतने सारे सीन्स हैं। और यहाँ पर लोग छुट भैया चिरकुट लेकर बैठे हैं ऐसी बातें कि ये तो नॉर्थ में चलेगी नहीं, इसका तो ये क्यों बचा रहा है, क्यों अश्वत्थामा इतना 12 फुट का है। हाय यार, व्हाट 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 मैन, अपना मजाक मत उड़वाओ, ऐसे ऐसे मत करो। कई लोग ऐसे हैं जो रेप्यूटेड भी हैं, जिनको हम भी फॉलो करते हैं, जिनको देख करके ये दुख हो रहा है कि भाई अपनी खिल्ली क्यों उड़वा रहे हो, क्यों उड़वा रहे हो, ऐसा करोगे तो तुम्हारा ही क्रेडिबिलिटी कम होगी यार। जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा बोलने में क्यों घबराना है, उसको अच्छा बोलने में जबान क्यों लड़खड़ाती है, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। अब अगर फिर तो वही बात हो गई कि तुमको गणपत पसंद आई होगी ज़्यादा शायद, बिकॉज उसमें तो बॉलीवुड के एक्टर्स थे और उसमें भी अमिताभ बच्चन सर थे, अमिताभ बच्चन सर एक्टर हैं, एक्टर से एक्टिंग करवाना एक डायरेक्टर का काम है। अगर नाग अश्विन ने वो फिल्म बना के रखी है हमारे सामने, कोई और डायरेक्टर नहीं बना पाया, तो वो नाग अश्विन की स्किल है यार, वो नाग अश्विन का अपना वो है, मतलब यू नो ही कुड डू इट, नोबडी एल्स कुड डू इट। क्या राजमौली बना सकते थे कल्कि? यहाँ पर भी एक और बात आ रही है, क्या राजमौली सर की फिल्म ज़्यादा अच्छी थी? राजमौली सर ने ही प्रभास को देखो बाहुबली बनाया यार, वो उनकी अलग फिनेज है, उनका अलग मूवी मेकिंग स्टाइल है। यहाँ पर नाग अश्विन को अगर क्रेडिट मिलना चाहिए तो दो ना वो क्रेडिट, वो देने में प्रॉब्लम क्या है? हेटर्स अभी भी लगे हुए हैं, खैर ऑल सेड एंड डन, वो सब बातें हम करते रहेंगे, लेकिन आज डे टू है। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ बहुत अच्छे नोट पर, आप शुरुआत किया, आप तो ये दिल से ये सारी दिल की भड़ास निकल रही है क्योंकि बहुत नेगेटिविटी देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं आपको डे टू के बारे में बताऊँ, हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, 1.1 मिलियन टिकट सोल्ड इन लास्ट 24 आवर्स फॉर कल्कि। आज भी वर्किंग डे है, फ्राइडे है, ऑल्दो हाफ वर्किंग लगा लो, लेकिन आज के दिन पर भी अभी अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं आता तो हम ये नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। अकेले साउथ वाले इतना नंबर नहीं ला सकते हैं, ये ऑडियंस है पूरे इंडिया की, ये ऑडियंस है हर तरफ की, जहाँ पर कल्कि का शोर मच रहा है उस फिल्म के बारे में बात हो रही है कि एक ऐसा इस तरीके का हमारे सामने सिनेमा रखा गया जो इससे पहले नहीं रखा गया था। तो ये बात मानो यार इस बात को, ठीक है। अब जैसे बता रही हूँ, आज का जो ट्रेंड आया है दैट इज 1.1 मिलियन टिकट सोल्ड इन लास्ट 24 आवर्स। अब यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशंस कितनी रख सकते हैं आज की, मैं आज की क्योंकि एडवांस बुकिंग का जो टैबुलर फॉर्म आता है वो आया ही नहीं है, लेकिन आज की एक्सपेक्टेशन जरूर आ चुकी है एंड दैट इज अबाउट 50 to 60 crores और। मतलब यहाँ पर अब आप ये सोचोगे, अरे आप तो कह रहे थे फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, कम कैसे हो गया नंबर? डे वन से डे टू पर तो बढ़ना चाहिए यार, एक चीज पर पहले ध्यान दो, आज वर्किंग डे है, हम वीकेंड में देखेंगे जब जंप आएगा, वीकेंड सैटरडे संडे में जंप आएगा, ऑफिसेज खुले हुए हैं, ऑल्दो स्कूल्स भी बंद हैं लेकिन ऑफिसेज खुले हुए हैं आज के टाइम में, तो हम आज के टाइम की जो एक्सपेक्टेशन है वो 60 crores के आसपास की ही रखेंगे, इससे ज़्यादा मैं एक्सीड नहीं करूँगी। हाँ, सैटरडे संडे होता तो मैं बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस की बात करती आज। और अगर मैं आपको टोटल अभी तक का नंबर बता दूँ, ये 9 बजे तक की, सुबह 9 बजे की रिपोर्ट है, इसके हिसाब से भाई अभी आज डे टू का 2.22 crores ऑलरेडी हो चुका है, टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो है ये 97 crores की हो चुकी है। एक और चीज़ मैं कल की बात बताती हूँ हिस्टोरिक, वो क्या हुई थी, क्योंकि कल रात की ऑक्यूपेंसी जो है वो कल रात के वीडियो में अपडेट नहीं हुई थी तब तक, ठीक है, रात को 11 बजे भी अपडेट नहीं हुई थी। नाइट शोज में भाई 90.3% की ऑक्यूपेंसी, 90.3। अब यहाँ पर हम चेक ये भी करते हैं कि हिंदी में कितनी थी, और हिंदी में भी हिंदी 3D बहुत पॉपुलर हो रहा है, हिंदी 3D वर्जन में नाइट ऑक्यूपेंसी अगर मैं आपको बताऊँ भाई, इवनिंग थी 39.7 और नाइट शोज में 49.4%। अगर कहीं ये फिल्म का कॉन्टेंट अच्छा नहीं होता तो क्या ये ऑक्यूपेंसी बढ़ती? आप मुझे खुद जवाब दो, अगर इस फिल्म का कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आता, हिंदी वाले एक सेकंड में डिसमिस कर देते, एक सेकंड में बोल देते यार नहीं यार मज़ा ही नहीं आया। प्रभास का स्टारडम और साथ में नाग अश्विन का कॉन्सेप्ट, द एंटायर फिल्म मेकिंग प्रोसेस, द एंटायर टीम ऑफ कल्कि डिजर्व्स टू बी सेलिब्रेटेड आफ्टर दिस। 49.7
6.46% काइंड ऑफ 50% की अगर रात को बढ़ी है ऑक्यूपेंसी ऑन अ वीकडे, तो आज हम शाम को रात को रैम्पेज रैम्पेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रही बात ओवरसीज नंबर्स की, नॉर्थ अमेरिका के नंबर्स की, तो अभी से कुछ देर पहले ऑफिशियल न्यूज़ जो है वो आ चुकी है, वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि ऑफिशियली नॉर्थ अमेरिका में, हम सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऑफिशियली नॉर्थ अमेरिका में 1.5 मिलियन $1 जो है डे वन का रिपोर्ट हो चुका है 898 लोकेशन से। ऑल टाइम प्रीमियर्स प्लस डे वन रिकॉर्ड लोडिंग विल क्रॉस RRR नंबर इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। अगले कुछ घंटों में RRR का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक होने जा रहा है। टोटल जो नंबर था, टोटल जो नंबर है, किसी ने पूछा है कि RRR का प्रीमियर प्लस डे वन का नंबर कितना था, वो था 5.5 मिलियन $US। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अबाउट कल की, तो ये ऑलरेडी 5.5 मिलियन $US को क्रॉस करने वाला है। भाई साहब, कैन नॉट बी डिनाइड, दिस कैन नॉट बी डिनाइड कि ये रैम्पेज मोड है, दिस इज बीस्ट मोड। और अभी यहाँ पर और चीज़ें आएंगी, अभी तो और भी कई लोकेशंस हैं जहाँ पर मैडनेस मच रही है। मैंने इतने सारे यू नो स्क्रीनशॉट्स देखे हैं ऑफ पीपल गेटिंग देयर टिकट्स, शोइंग द हाउसफुल्स कि भाई हाउसफुल चल रहा है, देखो यहाँ पर इस कंट्री में हम बैठे हैं, इस कंट्री में हाउसफुल चल रहा है। एक और अभी न्यूज़ आई है दैट कल की 2898 AD कंक्लूडेड डे वन इन ग्रैंड स्टाइल विद 135 लेट नाइट शोज हेल्ड अक्रॉस केरला। मतलब एक सिर्फ हम नॉर्थ की बात करते हैं, चलो साउथ की भी अगर बात करते हैं, तो केरला जैसी भी जगह पर आप देखो रीजन में कि 135 लेट नाइट शोज, लेट नाइट शोज बहुत हुए हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ जाते जाते, विच इज़ बुक माई शो। बुक माई शो पे क्या मुझे नज़र आ रहा है कल की अभी दिल्ली NCR में, आज क्या चल रही है, किस तरीके का रैम्पेज चल रहा है। भाई पिछले एक घंटे में 32,000 टिकट्स आर गेटिंग सोल्ड आउट ऑन अ मॉर्निंग। दिस इज़ कॉल्ड रैम्पेज। और भाई रैम्पेज है, बुक माई शो पर रैम्पेज चल रही है। अब यहाँ पर आपको ग्लेयर पड़ रही है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप खुद बुक माई शो ओपन करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब मैंने ऐसी मैडनेस ना बहुत समय बाद देखी। वी वर मिसिंग दिस ऑरेंज ऑरेंज कलर एवरीवेयर, और लिटरली प्रभास मेनिया आ चुका है। अमरेंद्र बाहुबली ऑफ बॉक्स ऑफिस इज बैक। आपको क्या लगता है अब कल की कौन से नए रिकॉर्ड सेट करेगी फास्टेस्ट 1,000 करोड़? 1,000 से ऊपर कितना जा सकती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।